क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि घर में बहुत सारी मक्खियां आ जाती हैं और उनको भगाने के लिए आप तरह तरह के तरीके अपनाते हो, लेकिन मक्खियां ज्यों की त्यों? कभी YouTube पर वीडियोस देखकर या किसी के कहने पर या कहीं पे पढ़कर आप तरह तरह के तरीके अपनाते हो, कभी नेफ्थलीन की गोलियां यूज करते हो, कभी तुलसी का सहारा लेते हो, कभी धुआं करते हो, लेकिन मक्खियां ऐसे ही मंडराती रहती हैं। क्या कर सकते हैं, मक्खियां होती इतनी जिद्दी हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जैसे मैं YouTube वीडियोस बनाती हूँ तो काफी लाइट्स होती हैं मेरे आसपास और उस लाइटिंग से अट्रैक्ट होके दो चार मक्खियां हर बार आ जाती थी और वीडियो बनाने ही नहीं देती। कभी इधर से उड़ रही हैं, कभी उधर से उड़ रही हैं। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि इनको भगाना ही है। मैंने एक दिन YouTube पे काफी सारी वीडियोस देखी मक्खियों को भगाने के लिए और उनमें से काफी सारी मैंने चीजें ट्राई भी की, कभी नीम, तुलसी, अदरक, इलायची, पता नहीं क्या क्या मैंने यूज कर लिया, लेकिन मक्खियां जो की त्यों भागी ही नहीं। तो उनमें से ही देखकर एक बार मैंने कपूर भी जलाया, उसमें नीम की पत्तियां डाली। इतना ज्यादा असर उस टाइम पे तो नहीं हुआ, मक्खियां दो मिनट के लिए बैठी लेकिन फिर से उड़ने लग गई वो। तो मैंने होप छोड़ दी और फिर मैं अपनी वीडियोस कंटिन्यू की, लेकिन नेक्स्ट डे से मैंने देखा कि वहां पे जब मैं वीडियोस बनाने लगी तो एक भी मक्खी मुझे नहीं दिखाई दी। मैंने सोचा चलो आज नहीं आई होंगी, तो नेक्स्ट डे मैंने वीडियो बनाई, फिर मक्खी नहीं आई। तो मैंने एक हफ्ते तक नोटिस किया कि वहां पे कोई मक्खी नहीं थी। तो इन सब से एक बात जो समझ में आई वो ये थी कि कोई भी धुआं या स्प्रे, कोई भी हम मक्खियों को भगाने के लिए यूज करते हैं, वो तुरंत असर नहीं करता, उससे तुरंत मक्खियां नहीं भागती, बल्कि नेक्स्ट डे से मक्खियां आना बंद हो जाती हैं जब तक उस चीज का, उस स्प्रे या धुएं का असर रहता है। मैंने जो किया वो आप भी ट्राई कर सकते हैं। आपने लेना है कपूर जो हम पूजा में यूज करते हैं, उस कपूर को जलाकर आपने उसके ऊपर नीम की पत्तियां डालनी है। नीम की पत्तियां आप गीली या सूखी कोई भी ले सकते हैं, बस धुआं होना चाहिए। धुआं इतना ज्यादा नहीं होगा कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, इसलिए फिक्र ना करें। और उस धुएं को आप उस कपूर को उस जगह पर रख दें जहां पे मक्खियां आती हैं और रख के छोड़ दें। उस टाइम पे उस धुएं के करने से मक्खियां तुरंत तो नहीं भागेंगी, लेकिन नेक्स्ट डे से वो मक्खियां आना बंद हो जाएंगी और एक हफ्ते तक, कम से कम एक हफ्ते तक तो ये चल ही जाता है, एक हफ्ते तक मक्खियां नहीं आती हैं। अगर ज्यादा मक्खियां आती हैं तो आप इसको रोज भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नीम और कपूर तो वैसे भी अच्छा होता है, इससे जर्म्स भाग जाते हैं और कीट पतंगे भी पास नहीं आते, इसलिए कोई नुकसान नहीं होगा इसके धुएं से। किसी का घर खुला होता है, किसी का बंद होता है, कहीं पे मक्खियां ज्यादा आती हैं, कहीं पे कम आती हैं, तो ऐसे में अलग अलग नुस्खे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से नुस्खा चुनिए, आप नोटिस कीजिए कि मक्खियां क्यों आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, तो उस हिसाब से आप अपने नुस्खे ट्राई कर सकते हैं। बाकियों का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये नुस्खा 100% काम करता है क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है। लेकिन इस का जरूर ध्यान रखिए कि अपने आसपास सफाई रखिए, जब तक आप सफाई रखते हैं तो मक्खियां कम आती हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपका भी ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस है या इसके अलावा आपके पास कोई मक्खियां भगाने के नुस्खे हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल योर फैमिली मेंबर को सब्सक्राइब कीजिए हर बार नई नई वीडियोस पाने के लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय।